राहगीर तभी अपनी मंजिल पर पहुंच पाता है जब उसके रास्ते में कांटे भाटे और गड्ढे ना हो, और अगर ये सब कोई जानबूझकर उसकी राह में रोड़ा बनाते जाएं तो फिर उसकी परेशानी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है और वह अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही मामले की जहाँ एक महिला और उसके पुत्र ने कुछ किसानों का लगभग 2 किलोमीटर का आम रास्ता बंद कर दिया, जिसके कारण वहाँ से गुजरने वाले किसानों को खेती करना मुश्किल हो गया। हालांकि राजस्व विभाग ने अपनी तफ्तीश में आम रास्ता पाया और मौके पर जाकर खुलवा दिया, मगर महिला और उसके पुत्र द्वारा फिर ये वही रास्ता बंद कर दिया है, जिसे कई किसान परेशान हैं। आपको बता दें, धार जिले के सादलपुर थाना अंतर्गत ग्राम खैरोद में सीताबाई और उसके पुत्र महेश ने गत दिनों अपने खेत के समीप से होकर जाने वाले किसानों का रास्ता बंद कर दिया था, जिसकी शिकायत किसानों द्वारा धार राजस्व विभाग में की गई। राजस्व विभाग ने मौका मुआयना कर नपती की गई, जिसमें महिला द्वारा अतिक्रमण पाया गया था, जिसको धार राजस्व विभाग ने पुलिस प्रशासन की मदद से हटाया गया। क्या नाम है आपका? मदन लाल। आप क्या है? कोटवार। ये रास्ते का क्या विवाद है? ये रास्ता सर हमारा निकलने का रास्ता था सर, करीब 40 साल का निकले रहे हम इधर। हाँ, तीन गए रास्ता रोक दिया साहब, कांटा डाल दिया इधर, दो चक्कर बोनी करी हमने साहब, फिर भी खाली पड़ा खेत, अब ट्रैक्टर कैसे निकला साहब? क्या बोलते हैं ये कि तुम्हारा रास्ता इधर नहीं है? अधिकारियों ने आपको रास्ता दे दिया था? हाँ, दिला दिया सर। आप क्या विवाद करने का बोलते हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? ये सर गांव का मामला है, विवादित मामला है, जमीन को लेकर दबाया गया खेरोद में। क्या कुछ पूरा प्रकरण सर? खेरोद में एक राजस्व के माध्यम से एक प्रकरण नॉलेज में आया था, जिसमें तहसीलदार के द्वारा भेजे हुए जो राजस्व के कर्मचारी थे उन्होंने अतिक्रमण हटाया था, जिनमें उनका कहना था कि एक किसान की 4 बीघा ज़मीन है, जिसमें उसने 3.5 बीघा अतिरिक्त अतिक्रमण कर रखा है, जिसमें आम रास्ता भी है, उस आम रास्ते को वो बाधित कर रहा है। तो राजस्व की सहायता के लिए पुलिस बल भेजा गया था, जहाँ राजस्व की टीम ने वहाँ पर आम रास्ता बनवाया है। सर अभी भी लोग वहाँ पर विवाद कर रहे हैं, अगर किसी प्रकार का आवेदन आता है तो कार्रवाई शासकीय कार्य में बाधा की या किसानों की ओर से उचित कार्रवाई की जाएगी? हाँ, अगर कोई भी व्यक्ति कानून हाथ में लेता है या कोई भी अवैध गतिविधि करता है तो उसके विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, और विवाद करने वाले लोगों के विरुद्ध प्रिवेंटिव एक्शंस की गई है और उनको संबंधित एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास भेजा गया है। और भी कोई व्यक्ति इस प्रकार की गतिविधियां करता है तो उसके विरुद्ध भी प्रिवेंटिव और लीगल एक्शन करेंगे।